सो गाइज, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपको जो हम नेक्स्ट वीडियो देंगे वो जॉब पोर्टल पे देंगे। एक जॉब पोर्टल का वेबसाइट यहाँ पे हम बना के देखेंगे और वो वेबसाइट किस तरह से बनता है वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे एक आप मूविंग टेक्स्ट लगा सकते हैं और इस तरह से आप एक मेन्यू लगा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ सेक्शंस है जिसके अंदर में हमने उस कैटेगरी का फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। मान के चलिए सपोज दैट आप अपने न्यू अपडेट में कोई भी पोस्ट यहाँ पे लिखा, तो आपने जो लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे लिखेंगे वो पोस्ट आपके इस वाले कैटेगरी में शो करेंगे। इस तरह से आप किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर में फर्स्ट प्रोडक्ट आप यहाँ पे शो करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैन्युअली चेंज बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसका सेटिंग करके छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप पोस्ट वहाँ पे सिर्फ लिखिए और यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे है, अभी हमने यहाँ पे एक पोस्ट डिस्प्ले कराया हुआ है और इसके अंदर में हमने यहाँ पे 4 से 5 पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है, ठीक है। तो आप जिस कैटेगरी में जितना पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहेंगे उतना पोस्ट आप डिस्प्ले करा पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रेड मोड पे जैसे क्लिक करेगा तो वो इस कैटेगरी के सेक्शन में जाएगा जहाँ पे उसे बहुत सारे वहाँ पे पोस्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हमने अलग अलग सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है और उसी कैटेगरी के अंदर में हमने यहाँ पे पोस्ट को शो कराया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने SEO से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखने का प्रयास किया था और यहाँ पे आपको किस तरह से ये कंटेंट लिखना है वो चीज़ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से वेबसाइट यहाँ पे इस सीरीज में रहने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में हमने अभी तक यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग को वर्डप्रेस के साथ यहाँ पे लिंक कर दिया है और हमने एक वर्डप्रेस का यहाँ पे एडमिन पैनल सेटअप कर लिया है। अगर आपने अभी तक ये एडमिन पैनल सेटअप नहीं किया हुआ है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए और उसके बाद इस तरह का आप एडमिन पैनल को यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे, ठीक है। और इस एडमिन पैनल में सबसे पहला जो हमें एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वो एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगा, तो वो एलिमेंटर का प्लगइन होता है। तो आप यहाँ पर ये प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे एड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे एक एलिमेंटर प्रो प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन यहाँ पे लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर आप एलिमेंटर प्रो प्लगइन का अगर कॉस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको 50 से $59 तक है, लेकिन हम आपको इस प्लगइन को यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपलोड प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड वाला सेक्शन में, क्योंकि हमने इस प्लगइन को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे ये एलिमेंटर प्रो का प्लगइन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसे आप यहाँ पे ये डाउनलोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिजिटेक के वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो या फिर आप गूगल में डिजिटेक एजेंसी टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो में जाना है और यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन में आपको आ जाना है, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस प्लगइन का आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन आपके ये कंप्यूटर में ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में अभी ऑलरेडी डाउनलोड है तो हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है और इस प्लगइन को यहाँ पे करेंगे एक्टिवेट। और जैसे ही इस प्लगइन को हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे तो ये हमसे बोलेगा कि आप यहाँ पे फ्री जो एलिमेंटर का फ्री प्लगइन है उसे भी इंस्टॉल कीजिए, तो हम यहाँ से उसे भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो गाइज, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहला तो एलिमेंटर का है और उसके बाद यहाँ पे एलिमेंटर प्रो का है। और भी हमें यहाँ पे कुछ प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगा, बट उसे हम आगे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेज वाले सेक्शन में जाएंगे, न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट हम करेंगे।
तो न्यू पेज के क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस कीजिए और यहाँ पे हम एक होम नाम से एक यहाँ पे पेज को क्रिएट करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पब्लिश इसको कर देते हैं। ठीक है, इसे हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक होम नाम से यहाँ पे हमारा पेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपीयरेंस में के अंदर में आएंगे और यहाँ पे एक थीम को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा थीम होगा, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट थीम रहता है और इसके अंदर में ऑप्शंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसे हम एक अच्छी लुक देंगे तो उसके लिए हम एक यहाँ पे न्यू थीम को यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपलोड थीम पे यहाँ पे आ जाइएगा। लेटेस्ट थीम पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक जनरेट प्रेस नाम का आपको एक थीम मिलेगा, बस इस थीम को आपको यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो अभी जो हमारा बाकी का ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे ताकि हमारे वेबसाइट का यहाँ पे जो ये साइज है वो कंज्यूम ना करे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा थीम और प्लगइन भी हमारी वेबसाइट का ये सोर्सेज यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारे प्लगइन्स और थीम को यहाँ पे ये इंस्टॉल डी इंस्टॉल कर दिया, जो कि मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम सेटिंग के अंदर में और यहाँ पे आपको रीडिंग्स नाम का एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको बस इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए और होम पेज में आप यहाँ पे होम नाम का जो हमने पेज बनाया था उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक कीजिए तो ये क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे होम पेज है और जो आपने पेज बनाया हुआ है वो पेज आपके यहाँ पे होम पेज में आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख यहाँ पे शो करेगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक ये जो हेडर है इस हेडर को ही सबसे फर्स्ट नंबर में हम इसको बना लेते हैं। तो हेडर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो मेन्यू है इस मेन्यू को ऐड यहाँ पे मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन्यू में ये ऑप्शन लाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने पोस्ट का कुछ यहाँ पे कैटेगरीज आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप पोस्ट में आएंगे तो कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अलग अलग यहाँ पे आपको कैटेगरीज बना लेना है जितना कि कैटेगरी इस साइट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे आप न्यू अपडेट का एक कैटेगरी यहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे नेम में आप न्यू अपडेट यहाँ पे लिखेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पे क्रिएट करेंगे तो ये आपका एक कैटेगरी यहाँ पे बन जाएगा। और उसी तरह से सेकेंड कैटेगरी अगर आप बनाइएगा तो यहाँ पे आप सेकेंड कैटेगरी को टाइप कीजिए और यहाँ पे आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका जो है ना यहाँ पे दो कैटेगरी बन गया। इसी तरह से आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे बना लीजिए। हम इस वीडियो को पॉज करके इस कैटेगरी को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हमने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बना लिया है। ठीक है, और ये कैटेगरी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस कैटेगरी के माध्यम से ही हम अपना ये जो पोस्ट है उसे हम फ्रंट पेज पे डिस्प्ले करा पाएंगे हर एक अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे अपीयरेंस के अंदर में और यहाँ पे आपको मेन्यू नाम का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट मेन्यू टाइप कर लीजिए और फर्स्ट मेन्यू में यहाँ पे आपको एक क्रिएट मेन्यू यहाँ पे आपको कर लेना है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट मेन्यू है इसको हम यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू के तौर पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे ऑप्शन लाएंगे और जैसे कि हम कैटेगरी हमने बनाया था तो आप कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर एक प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे कुछ कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 5-6 कैटेगरी यहाँ पे हमने यहाँ पे अब सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है हम यहाँ पे हेडर का डिस्प्ले यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे और पेज को एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे कुछ कैटेगरी यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक, तो अब हम जो है ना इस हेडर को यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में के अंदर में आने के बाद सबसे पहले आपको कस्टमाइज पे यहाँ पे आपको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस थीम के
कस्टमाइज वाले सेक्शन में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट्स के लिए लोगो भी सेट करनी है, और यहाँ पे आपको जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था इस तरह से यहाँ पे आपको हेडर भी बनानी है, ठीक है। तो वो किस तरह से यहाँ पे हम करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइट आइडेंटिफिकेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो आप एक लोगो यहाँ पे सेट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लोगो यहाँ पे बना के रखा हुआ है इस तरह से, तो आप यहाँ पे एक लोगो यहाँ पे बना लीजिएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आप सेट सेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लोगो यहाँ पे बना लिया है, और इस लोगो को एक बार रिसाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे क्रॉप इमेज, क्रॉप इमेज करके इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे लोगो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमें इस है यहाँ पर जो टाइटल दिख रहा है इस टाइटल का हमें कोई काम नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे डिसेबल कर देंगे, ठीक है। जैसे ही टाइटल को यहाँ पे डिसेबल करेंगे, यहाँ पे टाइटल को हम डिसेबल कर दिए हैं, और ये जो लोगो है, लोगो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लोगो किस तरह से आता है। तो उससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लोगो को जो है उसको हम ऊपर यहाँ पे देंगे, तो उसको लेआउट में आपको आना है, और यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन आपको दिखेगा। हेडर प्रेजेंट में यहाँ पे आपको नेविगेशन आफ्टर कंटेनर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो ये जो आपका जो है ये जो लोगो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे, और देन एक बार इस वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कलर चेंज करेंगे, और यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ ये अच्छा से दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पे क्लियर दिखाएंगे, और इस मेन्यू का भी बैकग्राउंड चेंज करेंगे और टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको चेंज करने से पहले हम अपनी वेबसाइट पे जो एक नया फीचर्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं जिसके माध्यम से आप हमारी वेबसाइट से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, तो वो फीचर्स दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे हमने एक एफिलिएट प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको बिकम एन एफिलिएट का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे क्लिक करके आप एज ए एफिलिएट हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। और रजिस्टर करने का यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे और अपनी डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको एक एफिलिएट लिंक मिलेगा, ठीक है। और उस लिंक से अगर कोई भी यहाँ पे हमें वेबसाइट्स का कोई ऑर्डर देता है तो आपको उसका 20% आपको वहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप हमारी वेबसाइट से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। सो ऑल राइट गाइज, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा लोगो है इस लोगो को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करेंगे, और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, और इस मेन्यू का भी बैकग्राउंड चेंज करेंगे, और ये जो मेन्यू है इसका भी हम बैकग्राउंड चेंज कलर चेंज करेंगे, जैसा कि इस वेबसाइट में है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है, और यहाँ पे मेन्यू का भी कलर यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे कस्टमाइज वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे साइट आइडेंटिफिकेशन में आ जाना है, और यहाँ पे आपको यहाँ से इसको आप बड़ा छोटा इस लोगो को कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट अभी हम इतना यहाँ पे रहने देते हैं और इसे हम रिप्रेस करते हैं, तो ये लोगो जो है हमारे यहाँ पे परफेक्ट साइज में आ गया है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप और भी बड़ा कर सकते हैं, बाकी इतना इतना सा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड यहाँ पे सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी का हम बैकग्राउंड यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको जैसे आप इंस्पेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और देन यहाँ पे आपको लाना है, इस पे यहाँ पे रखना है, तो ये कलर कोड आपको यहाँ पे बता देगा कि इसका ये कलर कोड क्या है। तो अभी आप इसका देख सकते हैं, इसका है 5690B8, ये इसका कलर कोड है। तो इसी कलर कोड को हम यहाँ पे अपने वेबसाइट में यूज करेंगे, ठीक है, कलर के लिए। तो अभी हम यहाँ पे चलेंगे बैक, और बैक जाने के बाद यहाँ पे कलर वाले सेक्शन में जाएंगे,
और कलर वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको हेडर नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आप यहाँ पे ये एरो ड्राउन यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको दिखेगा, इस बैकग्राउंड कलर पे टिक कीजिए और जो कोड आपने आपको वहाँ पे मिला था वो कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कलर था, ये हमने यहाँ पे कोड डाल दिया है और इस कलर्स को यहाँ पे हम रहने दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कलर हमारा यहाँ पे लग जाएगा और देन उसके बाद इस मेन्यू का भी नीचे जो बैकग्राउंड है इसको भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इसको यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेविगेशन बैकग्राउंड कलर का मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको इस पर टिक करना है और यहाँ पे वैसे आप यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे ये ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट कलर रहेगा, टेक्स्ट कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेविगेशन टेक्स्ट कलर में, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कौन सा कलर था, आई थिंक ये येलो कलर था, तो हम यहाँ पे येलो कलर से यहाँ पे दे देते हैं। और जब भी कोई टेक्स्ट पे हावर करेगा तो इसका कलर यहाँ पे वाइट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको वाइट हम कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कलर है ये वाइट हो रहा है जब जब इस पर हम माउस लेकर के जाते हैं, तो देन इसको हम यहाँ से पब्लिश करेंगे और देन इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा सेक्शन है ये सेक्शन हमारा यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। तो इसका कलर हमने चेंज कर दिया बिल्कुल सेम इसके जैसा हमने कलर चेंज कर दिया है और लोगो वगैरह यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे जो मेन्यू था वो मेन्यू हमने अभी तक यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक मूविंग टेक्स्ट यहाँ पे ये लगाएंगे और उसके बाद ये सेक्शन बनाएंगे और देन उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ सेक्शंस बनाएंगे जिसके अंदर में हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पोस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हम पोस्ट को डिस्प्ले कराएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने एडमिन पैनल पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे पेज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको होम नाम का एक पेज दिखेगा, इसको आप एडिट कीजिए और एडिट करने के बाद इसको हम एलिमेंटर के माध्यम से इसको हम एडिट करेंगे और एलिमेंटर के माध्यम से इसको हम डिज़ाइन। तो यहाँ पे एडिट विथ यहाँ पे एलिमेंटर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये पेज आपका यहाँ पे एलिमेंटर में खुल जाएगा और इस एलिमेंटर की मदद से ही आपको जो है ना इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इस सीरीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।